बेवफा तेरी बेवफाई भूल जाने के काबिल नहीं है, ये गाना आपने कुछ ही दिनों पहले सूर्यगढ़ में सुना था, जहां पर सभी विधायक बैठे थे, गहलोत गुट के जो विधायक थे, और उस दौरान ये गाना चल रहा था और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया था। लेकिन अब हम इस गाने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। दरअसल हम इस गाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बेवफाई हुई थी सीएम अशोक गहलोत के साथ, गहलोत सरकार के साथ और उन विधायकों के साथ जो राजस्थान में थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ विधायकों ने जो उनके अपने थे वो यहाँ से नाराज होकर मानेसर चले गए थे और कहा जा रहा था कि उनका लिंक बीजेपी के साथ है। अब उस दौरान ये पूरा षड्यंत्र हुआ, पूरा एक मामला उठा और सरकार खतरे में आई, लेकिन उसके बाद सरकार पूरी तरह सुरक्षित रही और जो गुस्सा होके जो नाराज होके विधायक गए थे सचिन पायलट के साथ, लगभग 19 विधायक थे और वो विधायक वापस आ गए और फिर से कांग्रेस में निष्ठा दिखा दी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस में तो निष्ठा जता दी, लेकिन अभी तक शायद वो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खाई बनी थी वो नहीं पट पाई है और आने वाले समय में भी शायद उनकी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं है कि वो खाई भरी जाए या फिर वहां पर दोबारा से दोस्ती के पेड़ उगाए जाए। शायद वो चाहते हैं कि ये खाई इसी तरह बनी रहे जिससे कि दो हिस्सों में कांग्रेस बटी रहे और आने वाले समय में वो दोबारा से अपने लीडर को आगे कर सके। ये सारी बातें हम इसलिए करें क्योंकि इन दिनों कुछ ऐसे कई घटनाएं हुई जिसके बाद लगा कि इस तरह के पूरे माहौल अभी राजस्थान की राजनीति में चल रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं जमाकर राजस्थान आए हुए हैं, हालांकि आज उनके सारे कार्यक्रम रद्द हो गए, लेकिन एक विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट गुट में थे और सचिन पायलट के साथ रहते हुए युवा विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं और उसके बाद भी सचिन पायलट के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी खिलाफत की थी और खिलाफत भी ऐसी नहीं, कई बार वीडियो जारी किए, वीडियो में साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत का नाम लिया और उनके विरोध में काफी कुछ कहा। लेकिन अब लगा था कि अब दोनों ही जो गुट हैं वो एकजुट हो चुके हैं और उनका मकसद है कांग्रेस को आगे बढ़ाना, उनका मकसद है राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करना। लेकिन मुकेश भाकर ने फिर से एक ऐसे ही कुछ दोबारा से ट्वीट करना शुरू किया है जिसके बाद लग रहा है कि शायद मुकेश भाकर नहीं चाहते हैं कि ये जो एक राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश हो रही है वो की जाए। दरअसल मुकेश भाकर ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए और ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कुछ जो लेटर थे वो डाले, उन पत्रों में बिजली का है, पानी का है, इस तरह के कुछ मुद्दे उठाए और साफ तौर पर कहा कि सीएम अशोक गहलोत से कि इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए जिससे कि आम जनता की जो समस्या है वो खत्म हो सके। लेकिन एक सवाल ये है कि वो विधायक है, ऐसे में अगर उनको अपने यहाँ की किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान कराना था तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल सकते थे या फिर एक जो वाजिब तरीका होता है उससे करवा सकते थे, ना कि उसे दूसरे विपक्षी पार्टी को मौका देते कि यहाँ पर इन मुद्दों को उठाया जाए। और जिन मुद्दों को विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी उठा रही है वो उन्हीं पर फोकस लगाए बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुकेश भाकर समझ चुके हैं कि अब कांग्रेस में ज्यादा लंबे समय तक उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह का एक व्यवहार किया था उसके बाद लग रहा था कि कांग्रेस के आला कमान हो या कई वरिष्ठ नेता हो कोई भी उन्हें अब पसंद नहीं कर रहा है। तो ऐसे में शायद मुकेश भाकर ये समझ चुके हैं कि अब अच्छा मौका है, जिन मुद्दों को बीजेपी उठा रही है उन मुद्दों को बीजेपी के साथ मिलकर उठाया जाए जिससे कि आगे पाला बदलने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि मुकेश भाकर ने जब अपना ट्वीट किया उस ट्वीट में नीचे @ सचिन पायलट लिखा। अब @ सचिन पायलट लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ कह रहे हैं तो आप साफ तौर पर उनसे कह सकते हैं, लेकिन @ सचिन पायलट लिखने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो वो दो गुट बटे हुए थे उनको हवा देना चाह रहे हैं और आप साफ तौर पर जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर सरकार के साथ नहीं है, आप सचिन पायलट के साथ है। ऐसे में एक जो दो गुट बने हुए हैं उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक दीवार बनती जा रही है और आला कमान की तरफ से भी साफ तौर पर संदेश आया था सभी विधायकों के लिए कि कोई इस तरह के मैटर अब दोबारा नहीं उठाएगा।
मीडिया में ज्यादा नहीं बोलेगा, इसके अलावा अगर कुछ कोई भी बात है उसे सही प्लेटफॉर्म पर रखेगा। जबकि राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अभी आए हुए हैं और लगातार वो विधायकों से मिल रहे थे, विधायकों से उनकी बात जान रहे थे, उनके मन की बात पूछ रहे थे, समस्याएं जान रहे थे। ऐसे में अगर मुकेश भाकर की कोई समस्या थी तो वो उनसे मिलके उनको बता सकते थे। लेकिन जिस तरह ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया उससे साफ तौर पर फिर से वही जो अंतर कलह चल रही है उसको हवा मिली है। वहीं बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। वसुंधरा राजे खेमा बिल्कुल ही अलग पड़ा हुआ है और कोशिश यही हो रही है कि उन्हें अलग से बाहर कर दिया जाए। अब तक तो सिर्फ अलग है लेकिन कोशिश ये है कुछ नेताओं की, चाहे वो सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, कि अब उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाए। लेकिन वही वसुंधरा राजे हैं क्योंकि जनाधार वाली नेता है, पुरानी नेता है, राजनीतिक वर्चस्व बहुत मजबूत है, तो वो जानती है कि कैसे इसका मुकाबला करना है। और इसमें ध्यान देने की बात यह कि वसुंधरा राजे कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाती हैं, जैसे कि सचिन पायलट ने उठाया। वसुंधरा राजे हर कदम को फूंक फूंक कर उठा रही है और यही वजह है कि जो उनके विरोधी उन्हीं की पार्टी में है वो जिस तरह के दाव खेल रहे हैं वो सारे उल्टे पड़ रहे हैं। चाहे घनश्याम तिवाड़ी की वापसी का दाव हो, क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी की वापसी लगभग तय मानी जा रही थी लेकिन अचानक उस बात पर, उस कयास पर रोक लग गई और वो रोक लगी जब वसुंधरा राजे गई बीजेपी में। अब बीजेपी मुख्यालय में जाने के बाद जब वसुंधरा राजे ने वहाँ के कुछ जो आला नेता हैं उनसे मुलाकात की, लगभग 1.5 से 2 घंटे उनकी मुलाकात चली, चर्चाएं हुई और उसके बाद जो ये कयास लगाए जा रहे थे घनश्याम तिवाड़ी के वो पूरी तरह रुक गए। सतीश पूनिया की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और उनका बयान सिर्फ इतना था कि भविष्य में कुछ भी चीज कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता और कुछ भी किसी भी चीज के लिए राजनीति में मना नहीं किया जा सकता। तो साफ तौर पर लग रहा था कि सतीश पूनिया का एक जो प्लान था घनश्याम तिवाड़ी की वापसी का वो फ्लॉप हो चुका है क्योंकि वसुंधरा राजे ने फिर से अपने पासे खेल दिए हैं। तो अब देखना होगा कि जो दोनों ही पार्टियों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो बाकी विधायकों की हो या फिर विरोध की हो, जो अंतर विरोध चल रहा है उसकी हो, तो अब ऐसे में दोनों ही पार्टी के जो मुखिया हैं कैसे इस अंतर विरोध को शांत करते हैं, क्योंकि 2023 में चुनाव है और आने वाले समय में जो चुनाव है विधानसभा के उसमें दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे के सामने टकराना है, ना कि आपस में लड़ना है। तो अब कौन सी पार्टी पहले मजबूत होती है ये एक बड़ा सवाल है। जो भी पार्टी पहले मजबूत हो जाएगी वो आगे की रूपरेखा और रणनीति अच्छे से बना पाएगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब उनका फोकस कोरोना के साथ ही आने वाले चुनावों पर भी है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत पहले बोल चुके हैं कि आने वाले चुनाव में वो एक जो परिपाटी चली आई है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, वो तोड़ी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस बार फिर से कांग्रेस आए। लगातार फोकस उसी पर है और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की हर रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना होगा राजस्थान में और क्या कुछ होता है, राजनीति क्या कहां मोड़, किस मोड़ उठती है, और जो ये कुछ राजस्थान के जाने माने चेहरे हैं जिनके बारे में पल पल की अपडेट हमेशा आप जानना चाहते हैं वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको द एंगल को देखना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे वक्त पर आपके पास इन सभी से जुड़ी हुई सारी खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार।